नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिफरेंट चॉइस में। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको डीबीएस बैंक के बारे में बताने वाला हूं। जो डीबीएस बैंक है ये सिंगापुर का बैंक है और आरबीआई से इसे अप्रूवल मिला है। सचिन तेंदुलकर ने इसका एडवर्टाइज किया है। इसकी खासियत क्या है मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले इसको कैसे डाउनलोड करना है वो मैं बताता हूँ। आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हैं, बट वहाँ पे बहुत सारे फेक एप्लीकेशन बने हुए हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, मेरा इसमें एक जियो का सिम है, उस पर मैंने एक लिंक भेजा हूँ, वहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है ना। और मैं इसमें जाता हूँ, देख लेता हूँ जियो सिम। ये देखिए ये लिंक है, इस पर मैं क्लिक किया और जैसे ही क्लिक करता हूँ ब्राउज़र में जाता हूँ तो यहाँ पे मैं डाउनलोड कर रखा हूँ, बट ये दिखाएगा, ठीक है ना, कि ऑलरेडी डाउनलोड है। तो आपको जो लिंक दूंगा वहाँ से आप डाउनलोड करने के बाद में डायरेक्ट, ये देखिए इस तरह से आ गया है। और नीचे जब जाएंगे तो नीचे जाने के बाद ये देखिए गूगल प्ले स्टोर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आपको डाउनलोड कर देना है। चलिए मैं डाउनलोड कर रखा हूँ, तो यहाँ से इस तरह से आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपके नेट स्पीड के ऊपर है, जितना अच्छा रहेगा उतना फास्ट होगा। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बारे में मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपको फ्री एटीएम मिलता है, ठीक है ना, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन फ्री है। आप किसी भी बैंक के एटीएम से विड्रॉ करते हैं बिल्कुल फ्री है, और आपको ऑनलाइन किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र करते हैं वो भी बिल्कुल फ्री है, एनईएफटी वगैरह करते हैं जो भी। तो आपको साइनअप पे क्लिक कर देना है और लेट्स गो पे क्लिक करना है। इस डीबीएस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास दो चीज़ें जरूरी है, आधार कार्ड और एक पैन कार्ड, और आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। यहाँ पे फुल नेम आपको डाल देना है, तो चलिए हम फुल नेम डाल देते हैं। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, चलिए मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। एक बार डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, तो चलिए मैं मोबाइल नंबर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है ना। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक ईमेल आईडी अपना डालना है, ईमेल आईडी इंटर कर देते हैं, और आपको रीइंटर ईमेल आईडी करना है। उसके बाद में आपको रेफरल कोड डालना है जो कि ऑप्शनल है। यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट खींच के रखा हूँ, इसमें जो आपको रेफरल कोड डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इमेज पे जाना है और ये देखिए रेफरेंस आईडी या रेफरल कोड यही होता है, M14313, याद रखिए M14313, ठीक है ना। चलिए हम डाल देते हैं। M14313, ठीक है ना, आप याद रखिए मेरा रेफरल कोड M जो कि बड़े में रहेगा 14313, और आपको क्लिक कर देना नेक्स्ट पे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सिंपली लॉग इन विथ योर एक्साइटिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड, ओके, ठीक है ना। तो क्या है कि मैं इस डिवाइस में ऑलरेडी लॉग इन कर रखा हूँ, तो इसलिए ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है ना। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आएगा, जैसे ही क्रिएट करेंगे आपका ये ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर लॉग इन करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने होने के बाद में यहाँ पे आपको इसको वेरीफाई करना होगा, ठीक है ना। वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा, और इसको आप लोग इजीली ओपन कर सकते हैं। आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर डालना होगा। आधार कार्ड नंबर जब डालेंगे तो जिस जो मोबाइल नंबर उस पर लिंक है उस पर ओटीपी आएगा, वो डालने के बाद अप्रूव हो जाता है। उसके बाद दो ऑप्शन आएंगे आपको, या तो आप डीबीएस बैंक के नियरली ब्रांच में जाके ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट देना होता है, या तो आप अपने घर पे, ठीक है ना, एजेंट को बुला के ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे दोनों ऑप्शन आते हैं, ठीक है ना। दोनों में से जो भी आपको ईजी लगता है आप चूज़ करके बुला सकते हैं। और सिंपली जैसे ही आप बैंक में जाएंगे आपका अकाउंट इस तरह से ओपन हो जाएगा और आपके घर पर यहाँ पर एटीएम कार्ड आ जाता है, ठीक है ना।
ये पेपरलेस बैंक अकाउंट है, सिस्टम है, यहाँ पे आप पेई में जा करके किसी को भी पैसा ट्रांसफर करना है तो इस सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे जाएंगे, ये सब मैं ऐड कर रखा हूँ, न्यू पेई करना है, ठीक है ना। जैसे ही न्यू पेई करेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं चूज करूंगा ऐड यूजिंग बैंक अकाउंट, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दो बार अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट होल्डर का नाम डालना है और निक नेम डालना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पे चलिए दिखा देता हूँ फिर कैसा आपके सामने ऑप्शन आएगा। तो जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जो रुपीज लिखा है इस पे क्लिक करेंगे और जितना अमाउंट आपको डालना है आप डाल के क्लिक करके कंप्लीट पेमेंट पे कर देंगे, कंफर्मेशन डालेंगे तो ये सेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। ओके, यहाँ पे आपको एक रेफरल आईडी मिलता है जिसे आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे तो पर रेफरल आपको 200 रुपीज़ आता है, अगर वो आपका रेफरल आईडी डालते हैं, यूज़ करते हैं तो। बहुत ही अच्छा सिस्टम है, आप इसे यूज़ करिए, ठीक है ना।